हेलो हाय दोस्तों, नमस्कार। पहला मैं आप सभी का स्वागत करी अपने यूट्यूब चैनल निशा ब्लॉग्स खटीवा में एक नए दिन के साथ, एक नई शुरुआत के साथ ये ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ आज सुबह के 7:30 बजे। अभी मैं हूँ मायके में, 2-3 दिन हो गए हैं मायके में आए हुए, और मैं एक सदस्य को मिलाती हूँ आपको जो कि यहीं रहती है दिन रात, वो ये है। क्या बोलना चाहोगे? कुछ कुछ नहीं। तो ये अपना इंट्रोडक्शन नहीं देना चाहेगी, तो मैं इसका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। इसका नाम है पायल जावेद। क्योंकि ये है उर्फी जावेद की बहुत बड़ी फैन। क्यों? कुछ भी, बहुत बड़ी फैन है। ऐसा झूठ मत बोल, मुकर मत अपनी बातों से। मुकर रही है गाइस, अभी अभी अपनी बातों से मुकर गई है ये। तो ये है उर्फी जावेद की बहुत बड़ी फैन, और ये है उर्फी जावेद। तो अभी पता नहीं कुछ मोबाइल में इसका कुछ हो गया है। सॉरी पायल जावेद, बार बार आ रहा है बोला। ये देखो ऐसा आ जा रहा है इसका नंबर नहीं दिखाना चाहती है वो एक्चुअली सबका। तो ये है, इसका नाम पायल बोरा है वैसे गाइज। तो घर जाके क्या करने वाले हो अभी? मुंह धोया नहीं धोया तुमने अभी? तो इसने मुंह नहीं धो रखा है अभी। तो घर जाके क्या करने वाली है तू? मैं जाऊंगी। हाँ, नहाऊंगी, रोटी खाऊंगी और यहीं आ जाऊंगी सीधे फिर मार्केट। तो गाइस वो तो चले गई है और अब लग गई है मुझे भूख। तो मैं किचन में अंदर आके देखती हूँ क्या बनाया है मम्मी ने। तो यहाँ बना रखे हैं मम्मी ने चने, ना रखे मम्मी ने चने। ये देखो गाइस, और ये नींबू लेके आ रही है, नींबू छड़क छड़क करके। मम्मी लो छड़को मम्मी, नींबू छड़क बोलते हैं क्या? बोलते हैं मम्मी निचोड़ क्या बोलते हैं बता ना? क्या बोलते हैं? निचोड़ कहते हैं। और क्या बोलते हैं? अच्छा, तो थोड़ा सी स्माइल कर दो। क्या कर रहे हो आप अभी? मैं नहीं बना रही, तेरे साथ बोलो। ये है अम्मा के लिए चाय। अम्मा यहाँ पे ना धो के बैठ गई है बिल्कुल तैयार होके। अब नहाने के बाद अम्मा को चाहिए होती है चाय, गर्मा गर्म ना अम्मा। बल मम्मी ने बना रखे हैं गर्मा गर्म। ये क्या है, क्या आपको दिख रहे हैं? ये है मोमोज। तो आपको मैं दिखाती हूँ, बहुत पानी आ, टेस्ट करके बताते हैं कैसा होता है। हो रहा है चिमड़ा जैसा हो रहा है। ये बहुत गर्म हो रहे हैं और थोड़े फ्राई कर दिए थे मम्मी ने, तो थोड़े अजीब ही काटने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा हो रहा है इसका। तो अभी बज रहा है, कितना बज रहा है? 3 बज रहा है और ये पायल आ रखी है। ये देखो गेट खोलकर, ये बहुत छुपाते हैं, पता नहीं कुछ लेके आ रखी है। देखते हैं क्या लेके आई है ये। ये पायल ने बना रखी है अंडे की पकौड़ी। सूख गई है पूरी गाइस, मैं बहुत बोर हो रही थी सुबह से, तो जैसी ये आई वैसी मैं खुश हो गई। देखो अब ये सुंदर होके आ रखी है बिल्कुल, अब भी ना रखे। अब मुझसे बोल रही थी सुबह फटाफट से नहाने जा रही हूँ बोल रही थी, और बोलिए अभी बोलिए अब भी ना रखे, 3 बजे ना के आ रही है ये। तो अभी पायल बोल रही थी कि मैंने तेरी शादी की एल्बम नहीं देखी है, तो मैं देखने के लिए बोल रही थी। तो ये इसने अब कर दी है ओपन, अब ये एल्बम के कुछ रिव्यू देगी। देगी ना? क्या रिव्यू देगी पहले देखने दो। तो ये इसने ओपन कर दिया, उठा नहीं पा रही है ये। चलो अब इनके रिएक्शन देखेंगे, मैंने तो देख ली थी। चलो स्टाइल देखो, इसका स्टाइल देखो, दिखा दे दो। हो गई है ओपनिंग। कैसी लग रही है अली?
वाले अच्छे ही है। अच्छा ये एक ही चिपका के रखिए। अच्छा रखिए भी, ये भी अच्छी है। ये मैं तो नहीं हूँ यहाँ पे। तुझको तू भाग गई थी यहाँ? नहीं पता नहीं कहाँ सच सोच के आई थी। लास्ट टाइम में फोटो खिंचाते समय पता नहीं कहाँ चले गई थी। हल्दी के यहाँ संगीत के दिन अच्छा ही आता है। लगनी से वो मेहंदी में से ठड़ी रुनी ते दगा फोटो कूनी। ये है मेरी मेहंदी की, मेरी ये मेरी बेस्ट फ्रेंड और उसका भाई। अच्छी है ना ये? हाँ ये मैंने देखा है इसको। कहाँ? इसको मैंने वहाँ देखा। ये है पायल की मम्मी, बिल्कुल गुस्से में देखते हुए गुस्से में देख दिया बिल्कुल। ये भी अच्छी आई थी ये? हाँ ये भी अच्छी आई आंटी। मेरा मेहंदी का मेकअप अच्छा था ना? हाँ। ये है गणेश पूजा की। अंकल स्मार्ट है उसमें, आंटी उतनी नहीं है। मेरी दोनों अमाए। मैं तो रोने। ये था मेरी मेला संगीत का। हाँ इसमें भी अच्छा लगा, पर शादी के साथ अच्छा नहीं। इन लोगों ने तीन एक फैमिली, ये थी बेस्ट फ्रेंड। ये है गाइस ग्रुप। इनमें कर क्या है करनी चाहिए थी ये वाली पोस्ट इंस्टाग्राम में। हाँ देखिए याली करी है शायद। और यहाँ से हो गई है मेरी हल्दी की स्टार्ट विदाउट मेकअप। हल्दी लगी है विदाउट मेकअप जो सही लग रही थी। क्यों है? हाँ। और मेकअप करने के बाद अंकल भी रो रहे हैं रोने का स्टाइल तो देख अंकल यहाँ पर देख सब रो ये गुस्से में है तू कि मना कर रही थी शादी से लग रहा है ये कुछ हो गुस्से में नहीं बहुत मतलब हो गया था मुझे यहाँ पर ये अच्छी आई है ये भैया की मेरी इधर ये वाली। हाँ याली पोस्ट करी है मैंने इंस्टाग्राम में। कोयल ये वाली, कोयल देखो ये वाली, ये कौन है? ये देख ये मेरी दोस्त है प्रिया भट्ट। और ये है तुलसी। ये कलश की, ये कौन है? ये वही है ना? ये मेकअप बहुत गंदा किया तेरा। ये मेकअप बहुत गंदा किया है ये लिपस्टिक पूरी लाल लगा रखी है इसके थोड़ा न्यूट कलर लगाता वो अड़ियाट लाल लहंगा था तभी तो लगाई लाल। वो बहुत लाल होता है वो कोई कोई न्यूट भी लगाते हैं। अकल ही नहीं थी ब्यूटी पार्लर वाले के साथ पास। किसी और को देख रहे हैं इतने कोई देख रहे हैं कैमरा मैन किसी यहाँ पे किसी और को देख रहे हैं बोल लिए फाइल कैमरा मैन को देख रहे थे ये अच्छी आई थी ये याली। ये यहाँ पर खाना खाते हुए क्या देवर? हाँ ये सब देवर है मेरे। ये कोई इसमें तो कोई स्मार्ट नहीं लग रहा। ये लगा पीछे वाला ये लच्छी वाला चल चल ये लगा ये मेरी बुआ का लड़का है। ये स्मार्ट लगा तुझे? ये स्मार्ट लगा हाँ शर्मा गई हाँ शर्मा ये है यहाँ पे आली तो अच्छी आई है। हाँ यहाँ पे अच्छी आई है दादी ने तो कोई फोटो अच्छी अच्छी जो आई है देख खुद ही देगा। मैं मेकअप इतना सिंपल गया था मेकअप तो मैं भी कर दूँ। अभी हो गया है 5 शाम के 5 बज गए हैं और मम्मी मैं और कुमारी 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 पायल कुमारी पायल जा रहे हैं। मम्मी के हाथ में कुछ दर्द हो रहा था ना तो नस वस मुड़ गई है शायद उसको दिखा के ला रहे हैं। और हो गई है शाम तो थोड़ी धूप भी आ तो शाम लेट हो रही है रात। मम्मी स्माइल हम जा रहे हैं पूरा मत दिखा बोल लिए मुझे पता नहीं क्यों चप्पल अच्छी नहीं मैंने बोल दी है छुप गई पीछे इसलिए मैं अब आधा दिखा दूँ भाई। और ये बच्चे बिल्कुल खेल रहे हैं देखो बच्ची रहो। तो हम लोग अपनी डेस्टिनी में पहुंच गए हैं। हमारी डेस्टिनी हमारी मंजिल आ चुकी है। मम्मी रास्ता भूल गई थी लेकिन मुझे पता था मैं इनको लाई सही रास्ते में मिलता है मौका में इसी रास्ते से आई तो कैसे भूल गई थी मम्मी याद तक कमजोर हो गई। अच्छा यहाँ पर क्यों है?
अब ना बात तो मम्मी का हाथ हो चुका है पूरा फिट हो चुका है। कैसा वहाँ फिट फाइन हो गया? फिट फाइन हो चुका है। अब हम आ गए हैं वहाँ से और ऐसा कुछ नहीं होता है, बस हम लोग को खाली मतलब ऐसे करते हैं, हम मर्जी होती है मतलब कितना भी मतलब उनको देना चाहे दक्षिणा टाइप। और देखो मेरे फैंस हैं वो पीछे मेरे फैंस और बस ऐसा होता है ठीक करवाओ उनसे, उनके पास जानी पड़ती है थोड़ी मतलब जितना मन चाहे दक्षिणा देनी पड़ती है। बस पहले डॉक्टर को भी दिखाया था, इसको बताने की हंसी आ रही है इसको डॉक्टर को भी दिखाया था तो डॉक्टर ने 3 इंजेक्शन दिए हैं मम्मी को, 2 इंजेक्शन लग चुके हैं और एक लास्ट इंजेक्शन बचा है वो भी लगवा लेते हैं। डॉक्टर से तो कुछ असर हुआ नहीं, देखते हैं आज पूछेंगे, आज देखते हैं घर जाकर कैसा असर होता है करके। आज की हाईलाइट होगी तू, हाईलाइट आज के ब्लॉग की, आज के ब्लॉग की ये हाईलाइट है मेरे हाईलाइट। ना खुश हो गया, एक बात समझ में नहीं आई है जो शर्माती है, मुझे ये समझ में नहीं आया, बस पता नहीं क्यों शर्माते, क्यों शर्माते हो आप? पता नहीं बस हमारे फैंस मेरे इसकी पागलपंती देखो हाय गाइस और वहाँ पर किसी ने बात किया, हमारे पड़ोसी ने पाली है बकरी, पूरे पानी पानी था यहाँ पे, ये बकरी पाली है। कुत्ते पालने से अच्छा पालो बकरी, ये हमने नहीं पाली है किसी और ने पाल रखी है। तो यहाँ पे बाज रखी है, यहाँ पे बहुत घास हो रखी है तो ये चर रही है। मैं तो मैं अभी जो बता रही हूँ ना, जो बकरी है ये बकरी है इसकी, तूने क्या क्या पाला है बता दो सही। इसने पाली है बकरी और प्लस कुत्ता प्लस बिल्ली प्लस गाय भी पाली थी ना, थोड़े दिन पहले गाय भी पाली थी इसने, पता नहीं खो गई बोला वो फैन हो ना आप मेरे फैन हो ना ना। देखा गाइस एक और फैन मिल गया मेरा देखा, अरे छोटे मोटे फैन बहुत है ये देखो गाइस आप भी फैन। ये हाँ इसका नाम है टाइसन, ये हमारे मोनू भैया है, ये हमारे भैया हमारे शर्मा गए थोड़ा थोड़ा आपके पैर में क्या हुआ? चोट लग गई है बोला, इसको पता नहीं क्या हुआ है, गाने पता नहीं क्यों सुन रही है, इसको पता नहीं कौन सा सदमा लग रखा है। इससे मैंने पूछा ये कौन सी कौन सी ब्रांड का कुत्ता है, ये बोल रही है कि जिसकी पूछ नहीं होती है वाली ब्रांड का कुत्ता है बोल रही है। ये देखो लेकिन इसकी पूछ तो है, बल इसकी पूछ काटनी पड़ती है बोल रही है। जंप भाई हाई जंप। तो अभी शाम हो चुकी है, अभी लोगों को यहाँ पर खाना घूमने का टाइम हो गया है। तो ये पायल बोल रही थी मेरे घर में आती नहीं आती, इसकी मम्मी बोल रही थी मेरे घर में आती नहीं है ये करके, और तू जाते रहती है तो उसके घर में मैं जा रही हूँ एक बार आंटी से मिलने जाती हूँ मैं। कौन आए बाबू? अच्छा तो अब मैं जा रही हूँ, तेरी बकरी वहीं पर है सिब्बू, वहीं पर बधी है हमारी आंटी, ये बोलती है मुझसे आई नहीं करके। और ये देखो मेरे स्वागत में इनने हरे हरा धनिया हरी सब्जी काट रखी है मेरे स्वागत में, और तो कुछ काटेंगे नहीं है खाली बुलाएंगे। हरी सब्जी बहुत अच्छी होती है बोला, देखा सू हो गया क्यों होता है। हाँ
पायल की बिल्ली, ये बिल्कुल इसकी ही तरह है। रात हो गई है और पापा जा रहे हैं घूमने, और इसी के साथ करते हैं वीडियो को एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। कहाँ जा रहे हो? घूमने, वॉकिंग में जा रहे हैं गाइस। और मैं आ गई हूँ अंदर क्योंकि अंधेरा हो गया बाहर। बाय, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में।